ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे अक्षरा दीदी, अरे अक्षरा दीदी, आप यहाँ बैठी हुई हैं? हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। चलिए। पर क्या, कॉलेज तो बंद हो गया है, हमें चौकीदार ने बताया। चलिए, बड़ी माँ चिंता कर रही होंगी। भोला भैया, मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, बस थोड़ी देर में आती हूँ। पर बड़ी माँ, बस थोड़ी देर प्लीज। जल्दी आइएगा अक्षरा दीदी, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। चल चल ये सब बंद कर, हमें जाना है। कहाँ? कॉलेज? अरे और कहाँ, अब तू उठेगा भी कि बैठा रहेगा? अरे पर अब तक वो चली नहीं गई होंगी। टाइम देख यार, 4:30 बज रहे हैं, हमें 11:30 मिलना था। देर हो गई है। तूने मेरा मैसेज दिया था ना? हाँ, वो तो सुबह मैं और रश्मि गए थे ना, बोल दिया था। पर वो मेरा वहां इंतजार कर रही होंगी। कम ऑन यार नैतिक, अब तक तो कॉलेज भी बंद हो गया होगा। तू चल, वो वहां होंगी। यार ये क्या बचपना है, अब तक तो वो अपनी किताबें पटक कर घर में नाराज बैठी होगी, अब तो ये सोच कि उनको मनाना कैसे है। इसका मतलब तू मेरे साथ नहीं आएगा? भाई ऐसा सिर्फ पिक्चरों में होता है और कहानियों में होता है। अब बस कर और चल मेरे साथ। ठीक है, चलता हूँ। और अगर वहां पे हुई ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। चल चल देखेंगे। नहीं है ना यार, वो अकेले नहीं रुकी होंगी, बहुत देर हो चुकी है नैतिक। चल उस तरफ देखते हैं। जमाना बदल गया है दोस्त, अब कोई जूलियट अपने रोमियो का इंतजार नहीं करती। अब तो ये पक्का हो गया कि मैं रोमियो और वो जूलियट। दोस्त तू अपना कोई नया नाम सोच ले, तुझे याद है ना तूने नाम बदलने का वादा किया था? सॉरी। जी मुझे लगा था आप नहीं आएंगे। जी क्यों नहीं आऊंगा, मुझे पता था कि आप मेरी राह देख रही हैं। जी मैं लेट गया। नहीं नहीं मैं लेट हो गया, हो जाता है, हो जाता है।
आए? मैं तो कह ही रहा था कि आप घर चली गई होंगी। मोहित ही बार बार कह रहा था कि आप घर नहीं गई होंगी। लगता है तुम बहुत नर्वस है, इसलिए सब उल्टा बोल रहा है। नहीं, वो हुआ यूं कि अब मुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, दरअसल हुआ ये था कि मैंने कहा था कि आप घर चली गई होंगी, इससे तो यही लग रहा था कि आप अब तक यहीं पे होंगी। पूरा विश्वास है ऐसे अपने प्यार पे, बस तो मैंने शर्त लगाई और मैं शर्त हार गया। और अब मुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा, तो क्या नाम रखें? आमिर खान कैसा रहेगा? कैसा लग रहा है? आज आपका मेरी वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो गया ना? नहीं, मैं तो पढ़ रही थी आपकी राह देखते हुए। कोई बात नहीं, हम अब भी पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं, अब तो बहुत देर हो गई है, माँ इंतजार कर रही होंगी। आप मेरी वजह से कुछ परेशान हैं? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि मैं सबसे छिपकर आपसे मिलने आती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, भोला भैया राह देख रहे होंगे। जी ठीक। बोला भैया, वो आप क्या है कि आज कॉलेज में आप कहेंगे तो नहीं ना, माँ को तो नहीं बताएंगे ना? अक्षरा, कब से तेरी राह देख रही थी, तू तो बड़ी कॉलेज वाली हो गई है। तू तो जल्दी कैसे आ गई? क्यों, मेरे जल्दी आने से तुझे खुशी नहीं हुई क्या? नहीं, बिल्कुल खुशी नहीं हुई, बल्कि बहुत खुशी हुई है। अब चल, तुझसे ढेर सारी बातें करनी है, चल। लो, आ गई हमारी बिटिया। अक्षरा, बेटा इतनी देर कहाँ हो गई? माँ वो कॉलेज में थी। तो ठीक है बेटा, लेकिन मैंने तो घबरा के तेरे ससुराल में फोन कर दिया ना। क्या? हाँ, करना तो नहीं चाहती थी, फिर सोचा कि चलो गायत्री बहन से पूछ लेती हूँ। जब उन्होंने बताया कि नंदिनी भी अभी घर नहीं पहुंची है, तब जाके मुझे चैन पड़ा। माँ, इम्तिहान में कुछ ही दिन तो बाकी है, जितना पढ़ ले उतना अच्छा है। भाई, हमने तो यही सुना था कि लोगों की चिंता करने से चैन छिनता है, पर हमारी बड़ी बहू का ये हाल है कि चिंता ना करे तो चैन नहीं। माँ, माँ, आपको पता है ना मेरे पास शौर्य दादू का मोबाइल है, आप मुझे उनके नंबर पे फोन कर लेती। लो, मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम दिमाग से निकल गया। लेकिन फोन तेरे पास रहता कहाँ है, इसीलिए तो ख्याल नहीं आया। देख बेटा, तू समय से घर वापस आ जाया कर, जानती है ना अपनी माँ को, तू जरा देर करती है तो मेरा तो कलेजा मुंह को आ जाता है। बड़ी बहू, अब तो उसकी सहेली आ गई है, अब तुम बेफिक्र हो जाओ, है ना? बहू, तुमने दोनों को सवालों में घेर रखा है, अब जाने दो, कितने दिनों बाद मिली, बेचैन हो रही है चटर पटर करने के लिए। जाओ जाओ।
मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी। अब इन्हें होश कहाँ खाने पीने का। सोचा है कितनी चिंता हुई होगी उन्हें। बेटी का मामला है, सुबह से गई हुई बच्ची शाम तक घर नहीं लौटी है। क्या क्या ख्याल आए होंगे उनके दिमाग में। तूने तो बचपने में कह दिया रुक जाओ, सही नहीं किया मुन्ना। पर कॉलेज में वो खेली कहाँ थी माँ। जानता है, घबराहट में राजश्री बहन का फोन आया था। क्या क्या कहा आपने। अच्छा फंसाया मुझे। वो तो ये सोच रही है कि उनकी बेटी के साथ नंदिनी है। तेरी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। कह दिया कि नंदिनी भी नहीं लौटी है। ओह थैंक यू माँ, मुझे पता था आप हमें जरूर बचा लेंगे। थैंक यू। रहने दे बेटा, तू जानता है मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है बेटा। वो सोच रहे हैं उनकी बच्ची कॉलेज में अकेली है और मैंने उनसे झूठ बोला। तुम बच्चों की नादानी की वजह से कोई मुसीबत ना आ जाए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था वर्षा, अचानक से सुबह 11 बजे से राह देख रही थी, किताब पढ़ती थी, फिर देखती थी कि आए क्यों नहीं। हजार तरह की बातें दिमाग में आ रही थी। पहले भी ऐसे इंतजार करा के नहीं आए थे, मुझे लगा कहीं फिर से। लेकिन फिर जब रश्मि को भेजकर मैसेज दिया तो मुझे लगा कि रुकना चाहिए, चाहे जितना भी टाइम क्यों ना लगे। एक बात तो तय है कि तू उनसे बहुत प्यार करती है। मैं तो डर ही गई थी कि भगवान न करे कुछ हो गया तो। पता है पूरा कॉलेज खाली हो गया था, बस मैं अकेली, एकदम अकेली। शाम होने लगी थी और मैं ऑलमोस्ट रोने लग गई थी कि वो आ गए। इसीलिए कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। उनकी बाहों में तेरा रोना प्यार में बदल गया। वर्षा बताना क्या किया उन्होंने। मारूंगी ना। चल तू बता कैसा रहा तेरा गोवा। गोवा बहुत अच्छा शहर है, चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ, प्यारे प्यारे बीचेस, होटल्स। मैंने तुझे ऐसे लिखने को नहीं कहा है। ये बता कि तेरे और दादू के बीच की बात कैसे बनी। बीच पर बकवास मत कर। तेरे दादू है ना बहुत चलाक है, लड़कियों को मनाना तो बहुत अच्छे से आता है। लेकिन मैंने भी ना इनकी एक नहीं चलने दी। सच। और फिर अपने प्यार में फंसा लिया ना। मैं कितनी खुश हूँ ना। दिख रहा है मैं तेरी बात कर रही हूँ बुद्धू। मुझे पता है मेरे लिए। वर्षा तू भी ना। मुझे सच में बहुत खुशी हुई कि शादी के बाद प्यार कम नहीं होता है, है ना। और भी बढ़ जाता है। चल मैं तुझे सब बताती हूँ। तुझे एक बात बताना तो भूल ही गई। क्या। भोला भैया ने हम दोनों को देख लिया था जब नैतिक जी लौट कर मेरे पास आए ना, और मैं रो रही थी तो तब जब वो। हाँ हाँ तभी। अब माँ बुला रही है और दिन भर की खबर लेगी भोला भैया से। ये भोला भैया भी ना सुबह से लेकर शाम तक के एक एक बात की खबर देते हैं माँ को। एक नंबर के चमचे हैं माँ के, अब सब बता देंगे। भोला आ रहे हैं। बड़ी माँ आ जा। भोला आ जा। अब बता बता। परिमा आज तो हम 8 बजे उठ गए थे, पहले बजरंगबली जी के मंदिर गए, हाथ जोड़कर वहां से यहाँ सीधे आ गए। हाँ। और हाँ आज गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, पहले गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल डलवाया और उसने हाँ हमें 50 रुपए 25 पैसे दिए, वो हमारे पास हैं। और फिर अक्षरा दीदी को कॉलेज जाना था, यहाँ से 10:30 बजे चले थे और 11 बजे तक पहुँच गए। अक्षरा दीदी ने कहा था समय पर पहुँचा देना और हमने पहुँचा दिया। क्या जरूरत है ये सब कहने की। और फिर हम अक्षरा दीदी की राह देख रहे थे, 3:30 बज चुके थे, काफी बच्चे जा चुके थे, फिर हम पूछने के लिए अंदर पहुँच गए लेकिन हाँ नहीं मिले। हमने बहुत ढूंढा, फिर हमने देखा पेड़ के नीचे पड़ रही थी। फिर उसके बाद अक्षरा दीदी को हमने कहा चलिए देर हो रही है, बड़ी माँ नाराज होंगी। अक्षरा दीदी ने कहा देर लगेगी तो हम रुक गए।
लेकिन इतनी देर क्यों लगी भोला? फिर हम बाहर आ गए थे ना बड़ी माँ। तो फिर अंदर नहीं गए क्या देखने? गए बड़ी माँ। हाँ फिर वहीं पे थी अक्षय जी। क्या अक्षय जी को हम अरे धनिया जल्दी पानी लेकर आ। ओहो धनिया जल्दी पानी ला। चबा के खाया करना जल्दी। भोला भैया से ये उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया है उनको? माँ को नहीं बताया? वही तो, वो तो माँ को ये तक बता देते कि गाड़ी कितने ट्रैफिक सिग्नल्स पे रुकती है। ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने तुझे देखा ही ना हो। हाँ नहीं देखा तो था, वही तो खड़े थे सामने, पर बताया क्यों नहीं? ये